शिवपुरी जिले के मनियर क्षेत्र में शनिवार को बाल आयोग की टीम ने फर्जीवाड़ा कर चल रहे एक अवैध बॉयज हॉस्टल पर छापामार कार्रवाई की है। टीम की छापामार कार्रवाई की सूचना लीक होने से हॉस्टल संचालक ने मौके से बच्चों को गायब कर दिया। फिलहाल मौके पर बाल आयोग की टीम, शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद है। कार्रवाई जारी है। और मुझे ऐसी खबर थी कि यहाँ पर छात्रावास जो है वो संचालित हो रहा है, तो मैं तो सिर्फ बच्चों से मिलने के लिए ही आई हूँ, परंतु हमारे आने के पहले ही यहाँ पर सारे बच्चों को खाना खाते से भगा दिया गया है। सबकी प्लेट्स भी मिली हैं और सारा सामान उथल पुथल कर दिया गया। उसके बाद में जो यहाँ पे अखिलेश रावत है, उनका ये कहना था कि ये तो हॉस्टल पहले चलता था, कोविड काल में बंद हो गया, तो अब नहीं संचालित हो रहा है। और बाद में जब ये सारी चीज़ें निकली हैं तो इनका कहना है कि कल ही बच्चे भागे हैं, पर खाना आज का है, सारा पानी आज का है, और बच्चों को अचानक से भगा देना, ये तो अपने आप में ही संशय पैदा कर रहा है। मैडम, उन्होंने जिस तरह सामान को छुपाया है, इस हॉस्टल को छुपाने की कोशिश की है, क्या ये आपराधिक श्रेणी में आता है? इस पर कोई आपराधिक कार्रवाई की जाएगी हॉस्टल संचालक के खिलाफ? देखिए, आपराधिक श्रेणी में ही आता है, ये तो बंधक बनाने जैसा है। अगर आप हमारे साथ, आपके यहाँ पे कोई व्यक्ति रह रहा है और अगर आप उसको प्रस्तुत नहीं कर रहे हो उनकी, तो ये तो बंधक बनाने जैसा है। अगर बच्चे रह भी, कई छात्रावास संचालित हो रहा है और आप बच्चों से फीस भी ले रहे हैं, उसके बाद में आप अभी तक इन्होंने सूची नहीं दी, किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं दिया कि बच्चे कहाँ के थे, कौन थे, किस कक्षा में पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे, यहाँ पर कोई जानकारी नहीं। ये छात्रावास के रिपोर्ट में, मतलब शिक्षा विभाग के रिपोर्ट में छात्रावास जैसे दर्ज है क्या? ये मुझे जानकारी नहीं है। और उनका कहना है, अभी मदन लाल राठौर जी का कहना है कि भाई मैं तो स्कूल चलाता हूँ, छात्रावास नहीं चलाता, परंतु अभी भी छात्रावास चूँकि इनकी बिल्डिंग में संचालित है तो अनुबंध होना चाहिए, तो वो अनुबंध की कॉपी नहीं दी गई, उनके खुद की सोसाइटी की कॉपी नहीं दी गई, बायलॉज नहीं दिया गया, किसी भी प्रकार का दस्तावेज राठौर जी ने अभी तक नहीं। शिक्षा का उल्लंघन है, जे जे एक्ट का उल्लंघन है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। अरे मैम, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, क्या नियम क्या कहता है, क्या एक ही बिल्डिंग में स्कूल और हॉस्टल दोनों संचालित हो सकती हैं? संचालित हो सकते हैं एक ही बिल्डिंग में? बिल्कुल हो सकते हैं, ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पर उसकी बकायदा परमिशन लीजिए। और चूंकि मैं तो ये बोल रही हूँ हॉस्टल भी संचालित है, तो बच्चों को माता पिता की मर्जी से ही रखा होगा ना, फीस लेते होंगे ना, तो फिर बच्चों को गायब करने की आवश्यकता क्या थी? जो भगा दिया गया था, बंधक बना के रखे गए थे बच्चों को, जबरदस्ती रखा गया था क्या? ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है शिक्षा विभाग के लिए। नहीं, हॉस्टल के साथ में रहवासी मकान भी रह सकता है क्या? ऐसा रहवासी नहीं होता, सेपरेट होता है। ऐसा नहीं होता है कि अंदर से रास्ता गुजर के स्कूल की है ना कक्षा तक घूमे, बिल्कुल। और अभी पास में भी कोचिंग संचालित हो रही है, वहाँ पर भी इन्होंने उसको किराए से दे रखा है, यानी किराया भी किराए से भी चल रहा है, किराए से हॉस्टल भी चल रहा है। हॉस्टल इनका है कि नहीं इनको नहीं पता, इनकी बिल्डिंग में क्या हो रहा है, स्कूल का इनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, तो फिर इनकी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि अवैध रूप से संचालित हो रहा है। मैम, आगे आप इसमें क्या कार्रवाई करवाने वाली हैं? मैं इसको सील करवाना चाहती हूँ, सील करवाई जाए। स्कूल सही संचालित हो रहा है या मान्यता प्राप्त है कि नहीं, इसके लिए उसे कोई दस्तावेज हमें नहीं दिया गया कि मान्यता प्राप्त है कि नहीं है या सही तरीके से संचालित। भोपाल से आप जब कार्रवाई करने को लेके आई यहाँ पर, तो क्या ऐसे छात्रावास की कोई सूचना थी आपकी जो सीधे? मेरे पास सूचना थी कि यहाँ पे छात्रावास संचालित, अवैध संचालित। अवैध तो नहीं पता था, पर ये पता था छात्रावास संचालित है, बच्चे ठीक ढंग से नहीं रहे। वही जांच करने आई थी कि बच्चों की सुविधाएं प्रॉपर है कि नहीं, बच्चे ठीक तरीके से रह रहे, और जबकि उनका कल एग्जाम है, वहाँ पर टाइम टेबल भी पड़ा हुआ है। तो मेरे को यही जानना है कि बच्चे कहाँ हैं, बच्चे किसकी मर्जी से यहाँ? आपके आगमन से पहले बच्चे गायब कर दिए, गायब कर दिए गए, एक भी बच्चा हमको नहीं मिला। और अगर माता पिता की मर्जी से भी बच्चे रखे गए तो बच्चों को गायब करने का प्रश्न ही नहीं होगा। अगला स्टेप क्या रहेगा आपका? अगला स्टेप स्कूल शिक्षा विभाग का है, इसको सील करवाया जाए और इस पर FIR कराई जाए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी धाराएं लगवाई जाए, अवैध तरीके से विद्यालय संचालित है, इसकी भी जांच की जाए। कुल मिलाकर देखें तो ये भी आ रहा है शिक्षा विभाग के लोग इससे मिले हुए हैं, ये मैं कैसे कह दूं? इसकी जांच हो जाए, जो मिला हुआ है उस पर जांच बैठे। मैडम, हॉस्टल संचालक पे आरोप भी है कि उनने बच्चों को किडनैप करवा कर रखा है, इसको आप कैसे देखते हो? अब अगर मेरे पास नहीं है तो बंधक बना के ही रखा है, इसको ऐसे ही देखूंगी मैं तो? आप क्या कार्रवाई करोगे? तो मैंने बोला तो FIR दर्ज की जानी चाहिए, सील बंद होना चाहिए स्कूल भी। प्रारंभिक जांच में छात्रावास अवैध रूप से संचालित हो रहा है, आपके रिपोर्ट में क्या है? मैं अभी जांच कर रहा हूँ, हमारे लोग भी टीम में साथ गए थे, उनसे रिपोर्ट लेंगे, हमारे ADPC भी साथ थे और हमारे BRC के यहाँ से भी BRC के साथ थे, उनकी रिपोर्ट लेंगे और जो भी अनधिकृत अवैधानिक कार्रवाई होगी उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई संचालित। एक भदरवास में मदरसा मिला है इसी तरह का? कोई भी हो, चाहे भदरवास में हो चाहे शिवपुरी में, दोनों जगह हमारी रिपोर्ट टीम साथ में थी उनके, वो रिपोर्ट देगी, उसके आधार पर हम पूरी कार्रवाई।
सर एक चीज़ जानना चाहता हूँ केवल कि यहाँ पर जो इनका ऑफिस है वहाँ पर ये ना तो हॉस्टल का रिकॉर्ड बता पाए हैं ना स्कूल का रिकॉर्ड बता पाए हैं और यहाँ मिला भी नहीं है। क्या हॉस्टल का और स्कूल का रिकॉर्ड ऑफिस में रखने की अनुमति नहीं है कहीं और रखा जाता है क्या? जो भी स्थिति है उसमें हमारे ADPC और DRC साथ में थे, वो जो रिपोर्ट देंगे प्रतिवेदन देंगे उसमें उसमें उसी हिसाब से काम करना है। कितने दिन में प्रतिवेदन शाम तक ही ली जाए? और मैडम ने एक आरोप लगाया था शिक्षा विभाग पे, खासकर आप पे, कि सेंट चार्ल्स स्कूल को पिछली बार बंद करने का निर्देश दे रही थी वो और इसके बावजूद वो खुल गया। सेंट चार्ल्स वाला प्रकरण न्यायालय में है, उसके बारे में स्टे पे न्यायालय में।